Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. And Perdana Menteri Narendra Modi ji is Meri Dosti. Not only is Prime Minister, but is my brother. इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है, मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के। इफ एविडेंस सबमिटेड वी विल नॉट कंडोन टेररिज्म एंड वी हैव बीन टफ, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर विद इंडिया इन मेनी ऑफ दिस इश्यूज अगेंस्ट टेररिस्ट सेल्स। वज़ीर आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। याद रहे मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था जब वहां पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। अब वहां के नए जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं, बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देख कर यकीनी तौर पे आवाम के दिल दहल रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का कम न होने वाला पहाड़ अपनी जगह, आलमी इदारों का मुल्की मईशत पर खदशात का इजहार भी अपनी जगह, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार भी अपनी जगह। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में, मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों आप सब जानते हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, जहां पर भारत में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का भव्य स्वागत किया गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया। इसके बाद दोस्तों मलेशिया और भारत काफ़ी सारे बड़े बड़े फील्ड्स में पार्टनरशिप कर रहे हैं और इसके साथ साथ भारत और मलेशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, जिसके तहत भारत मलेशिया को काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली ही मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हिंदी में विश किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना भाई कह करके उन्हें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को हमेशा सपोर्ट किए हैं जब वे पावर में नहीं थे तब भी, जिसे देख करके पाकिस्तान परेशान है क्योंकि मलेशिया एक इस्लामिक देश होने के बाद भी भारत को अपना भाई कह रहा है और भारत के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने टेररिज्म को लेकर के भी बात की है और पाकिस्तान को कंडेम भी किया है। ये वही मलेशिया है जो कुछ साल पहले तक इमरान खान के साथ मिलकर के कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ अटैक करता था, लेकिन अब यही मलेशिया भारत के कैंप में शामिल हो गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और दूसरा एक चीज तो ये है कि जो देखिए ये थिंक टैंक्स का काम होता है कि जब आप बाहर के जो मुल्क से वज़ीरे आज़म आते हैं, जैसे अनवर इब्राहिम आए हैं, तो उनको एक तो उन्होंने ये कन्विंस कर लिया है कि जनाब चाइना हमें डरा नहीं सकता बायलैटरल कोऑपरेशन में बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया, एंड सेकेंडली उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है, वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर ली है और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। जरा थोड़ा इसके ऊपर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जो जापान एंड इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स की टॉक्स हुई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और असल जो डिस्कशन हुई है कि वो जो चाइनीज असर्टिव मिलिट्री जो पोस्चर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडिया एंड जापान उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपने देखा कि किस अंदाज से ये बेसिकली ये मेरे ख्याल 2019 से दो 2+2 जो है जापान एंड इंडिया जो है वो शुरू हुआ है। आपने देखा कि जस्ट एक दिन के अंदर इंडिया के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मॉर्निंग में वो जापानीज के साथ बिजी हैं, शाम में वो मलेशियन के साथ बिजी हैं, रात को वो अफ्रीकन के साथ बिजी हैं,
विदिन, ये जानबूझ के कई दफ़ा हुकूमतें ये करती हैं। अगर वो चाहें तो दो दिन शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने शेड्यूल इस तरह तय किए हैं कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि मीडिया तो रौला पै जाए, थली पै जाए, क्यों उंडे इंडिया दे, सारी दुनिया ही इंडिया आ गई है। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में, मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें, बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के, पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड करें एक के बाद एक, वन बाय वन, कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के, ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है, और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन ना डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं।